आज अपने को पहले तो शुरुआती दौर में 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को था, आज अब 45 वर्ष से शुरू हो गया है, मतलब दो दिन पहले से। और आज तीन जगह लग रहा, मतलब केसी में दो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और सभी को ग्राम पंचायतों सभी सहयोग मिला ला रहे हैं, और जन सहयोग जन भागीदारी से टारगेट जितना मिला है पूर्ति करेंगे निश्चित ही, और सभी को प्रेरित भी कर रहे हैं, मितानी लोग भी लगे हैं, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता भी सहयोग कर रहे हैं, ग्राम पंचायत सभी को। सर वैक्सीन तो लग रही है, पर मैं वैक्सीन ले लगने के बाद मास्क लगाना जरूरी है? हाँ मैं वो तो जरूरी है, वैक्सीन तो चलो आगे की रोकथाम के लिए है। वैक्सीन का मतलब क्या है सर? वैक्सीन देखिए जो संक्रमित होने से बचेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगा, जैसे अपने रूटीन की जो वैक्सीन है टीबी के जैसे बीसीजी लगता है आगे ना हो करके। सर कोरोना वायरस तेजी से फैल रही है, इसके बारे में बताइए। अब तेजी से फैल रहा है, इसमें सभी की जन भागीदारी जरूरी है, उसको कैसे रोका जाए सर? और रोकने के लिए वही है, दो गज दूरी, मास्क लगाना जरूरी है, तो हाथ की साफ सफाई निश्चित ही, और सार्वजनिक काम भीड़ भाड़ में होता है वो थोड़ा सा देरी होना चाहिए। सर मरवाही विधानसभा में दो कोट ये बाजार लगती है, यहाँ पर वहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर से भी आते हैं, उधर कोरोना फैलिंग भी लगा। तब देखिए शासन का भी गाइडलाइन है, कोविड का इंजेक्शन 45 वर्ष लगे, आगे जैसे भी समस्या आते जाएगी उसका भी निराकरण शासन स्तर से हो। उसका रसीद भी काटा जाता सर, मास्क नहीं लगाया लगा रहा लगा। हाँ हाँ वो तो सर उसमें देखिए अपने एकदम फिक्स रेट नहीं है, वो तो कल 500 दानी कुंडी में कर रहा जी, है ना। अब मान लो किसी के पास जो 200 रुपए लिए जो है डायरेक्ट, एक तो उसमें प्रचार प्रसार में उनकी जागृति के लिए है, कुछ सजा दें या सजा के रूप में आर्थिक करें तो आदमी निश्चित ही थोड़ा सा उसमें जागृति उत्पन्न होगी और उसमें रोकथाम के लिए भी सही। सर मरवाही विधानसभा में गरीब लोग रहते हैं, छोटी छोटी दुकान रहती है, वहाँ से 500 रुपये का रसीद काटा जाता है सर? नहीं तो शासन बीमारी को फैलाने में क्यों अपना वो ध्यान नहीं होगा, उसमें फैलाने के लिए रोकथाम करके है वो, गरीब अमीर की बात नहीं है, सभी सहयोग करें। हम तो जनता से अपील कर रहे हैं कि दुकान छोटा